क्या ना, मैंगलुरु में आओगे तो ये सब भाई करके मजा लेना ही है। भाई पानी पूरी कैसा प्लेट? 25 रुपये पूरा 25। और रगड़ा पूरी? अभी रेडी, मतलब हम लोग जैसे ट्रैवल करके आए, थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लिया, उसके बाद में हम लोग जाके फ्रेश हो गए अभी। और ये देखो, मतलब ये भाई, ये सब चीज़ें अभी चलने ही वाली है, मतलब 3-4 दिन यही सब चलने वाला है। तो अभी मैं तो हो चुका हूँ रेडी, बाकी लोग भी रेडी हो रहे हैं। अभी एक बंदा बचा है रेडी होने का, वो भी अभी फटाफट रेडी हो जाएगा। तो एनीवेज, कैसे आप अपने, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका सबका प्यार नेहरा मिथ मुंबई कर। आई होप आप सबको जो लास्ट वाला ट्रैवल वाला जो व्लॉग था वो अच्छा लगा रहेगा। आज का प्लान क्या भाई, अभी का प्लान क्या? घर पे फिर 7 बजे का मुहूर्त है मेहंदी। अच्छा हाँ, अभी जाना है घर पे और 7 बजे का कुछ मुहूर्त है मेहंदी का। जैसा मैंने बताया था, अपने अन्ना की बहन, मतलब अपनी भी बहन, तो हमारे बहन का आज मेहंदी है। 2 दिन के बाद में शादी है। मेरा जो पहले वाला जो ट्रैवल व्लॉग था वो यहाँ पे अभी रेडी हो रहा है। रेडी मतलब क्या है ना, अपन के पास में भाई उतना अच्छा वाला सिस्टम नहीं है, मैकबुक है, बट क्या है ना, वो रेंडरिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसका। कभी मैंने ऐसा डेली ब्लॉग का एडिटिंग किया नहीं। मैं जब भी कहीं पे भी गया तो बाद में सब फुटेज मिला के मैंने जाके बाद में एडिटिंग किया। ये शायद मैं देखता हूँ अभी, ट्राई करूंगा कि नहीं करूंगा, अगर टाइम मिले तो ही। ये खाना क्या है? मटन चिकन? अभी नहीं, शाम को चिकन है। तो अभी क्या, अभी नॉन, अभी नाश्ता कर लेंगे। मच्छी? वेज है? मच्छी है? वेज है। तो ऐसे बाकी लोग गए रिक्शा से आगे। कहाँ पे जा रहे हैं डायरेक्टली अभी ये लोग? अपने घर पे। घर पे ना? हाँ, बाकी लोग गए रिक्शा से आगे, अभी मैं बाइक पे रहा, रवि के साथ में बैठा है। 10-15 मिनट में भाई अभी पहुँच जाएंगे। हाँ, क्या वेदर है भाई, ज़बरदस्त। मतलब क्लाइमेट चाहिए ना तो ऐसा, अभी मुंबई में ऐसा वाला क्लाइमेट आते आते है ना, जून शायद से पूरा निकल जाएगा। मेहंदी का कार्यक्रम यहाँ से स्टार्ट होएगा। वाइन शॉप से जो जो मेहंदी के लिए, मेहंदी के लिए भाई लोग जो जो सामग्री था सब ले लिया, बहुत पूरा रिक्शा भर दिया अभी पीछे। और अभी किधर, आइस लेने? आइस। बट जो वाइन शॉप था ना भाई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़बरदस्त वाइन शॉप यहाँ पे रहेगा। मुंबई में भी ऐसे वाइन शॉप नहीं देखने मिलते। एक चीज़ है भाई, यहाँ के रास्ते ना ज़बरदस्त क्लीन है, मतलब नीट एंड क्लीन रखा हुआ है, और साफ़ सफाई तो भाई मानना पड़ेगा। अंदर टर्न मार लिया और ये वाला एरिया फॉरेस्ट का एरिया आप बोल सकते हो, मतलब पूरा फॉरेस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा भाई। ये देखो, अभी ऑफ राइडिंग चालू हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे भाई सुकून और शांति आपको दोनों मिलेंगे। वो रिक्शा लेके कैसे आए रहेंगे फिर? आता है इधर से। हम बढ़िया सब, ठीक है। ये ऐसे देखने का बस। आप कब आए? मैं आ गया अभी 1 हफ्ता हो गया ना। अच्छा, नहीं पता था। तो कितना डीप है? अरे वाह, मैंगलुरु में आओगे तो ये सब भाई करके मजा लेना ही है। तो फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं घूमने, मतलब भूख बहुत ज्यादा लगी है भाई। तो क्या है ना, घर पे बैठे बैठे तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन स्टार्ट होते होते ना बहुत टाइम लगने वाला था। तो कैसे वैसे अरेंज करके एक स्कूटी का अरेंजमेंट किया, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। तो सोचा बाहर फिर से मार्केट में जाके कुछ खा क्यों ना लूँ। तो भाई हम लोग अभी घूम फिर के आए, फिर से मार्केट में थोड़ा पानी पूरी यहाँ का टेस्ट करें, क्योंकि मुंबई का पानी पूरी तो खाया ही रहेगा, मतलब हम लोग को पता ही है। तो यहाँ का पानी पूरी भाई, मैं पानी पूरी फ़ैन हूँ बहुत बड़ा, तो यहाँ का पानी पूरी पहले टेस्ट करेंगे। क्या
थोड़ा तीखा, एक मीडियम, बाकी सब तीखा। भाई पानी पूरी कैसा प्लेट? 25 रुपए पूरा। 25। और रगड़ा पूरी? अच्छा लगा, टेस्ट अच्छा है। पानीपुरी का टेस्ट मेरे को तो अच्छा लगा, सिर्फ जो रगड़ा था ना उसके अंदर वो थोड़ा पानी पानी जैसा था, बट बाकी जो पानी का, जो तीखे पानी का जो टेस्ट था ना भाई, ज़बरदस्त था, मज़ा आ गया। सेकेंड हम लोग ने ट्राई किया, रगड़ा पूरी बोला था उसको, बट वो काइंड ऑफ रगड़ा पैटीज जैसा उसने कुछ ना कुछ पूरी का चूरा करके बना के दिया था। उसके बाद में हम लोग ने वड़ा पाव किया। वड़ा पाव का सीन ऐसा है कि वड़ा बहुत बहुत ही ज़्यादा छोटा था, पाव का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, अच्छा था, ठीक ठाक था टेस्ट में। उसके बाद में क्या खाया? ऑमलेट तो नॉर्मली था, वो ऑमलेट पाव वो भी नॉर्मल था। अभी है ना, मेरे को मेरा एक फ्रेंड ने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, वो बोलते हैं कि मैंगलोर में फेमस क्या पता, बंस। हाँ बंस, क्या रहता है ये? मैदे का रहता है, मैदे का रहता है, केला और थोड़ा गुड़ डाल के उसको मिक्स करके बना रहे उसको। वो कभी खाएंगे? कल खाएंगे, कल आप कल तो फिर कल ट्राई किया जाएगा मैंगलोरी फेमस बंस। ओहो हो, क्या ही क्लाइमेट आया, देखना क्या मस्त एकदम आसमान दिख रहा है। तो वैसे अभी हम लोग फिर से पहुंच गए घर के यहाँ पे। अभी घर पे जो लाइटिंग का काम चल रहा था, क्या सुपर लाइटिंग है, और जो साउंड है ना अंदर जबरदस्त है भाई, बस देखो अभी। हम लोग हमारे रूम की ओर जा रहे हैं, अभी मेहंदी का फंक्शन वगैरह सब कुछ खत्म हो गया। अभी हम लोग छोड़ने के लिए एक ही गाड़ी था, ये स्कूटी, तो हम लोग पांच जन एक ही स्कूटी के ऊपर सवारी करके जा रहे हैं। होपफुली हम लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे वहां पे। हम लोग ने ट्राई किया था कुछ नहीं करना, डर के मारे पॉसिबल नहीं था, 3 बजे का टाइम था ये, इसके लिए हम लोग ऐसा रिस्क लेके हम लोग जा रहे हैं। बट फिर भी मैं आप सबको बोलता हूँ कि ऐसा सवारी बिल्कुल मत करना बिना हेलमेट का, पांच जन का सवारी बिल्कुल मत करना। यो यो, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद, बी सेफ। और सो गाइज, आज का ब्लॉग मैं यही पे एंड करता हूँ। हम लोग अभी पहुँच गए घर पे, मतलब बहुत मुश्किल से हम लोग पहुँचे, मतलब कुछ आने जाने का कुछ साधन था नहीं, बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था ये वाला। तो आई होप आप सबको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा, तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गाइस, इट्स स्मित मुंबईकर। एंड कल अलग ही ब्लॉग आने वाला है, अलग ही मज़े आने वाले। एज ऑलवेज, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड नेवर फॉरगेट टू एंजॉय योर लाइफ। बाय, ये सब इग्नोर कर देना गाइस। तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं लाइट हाउस के एकदम टॉप पे, मतलब ये समंदर और ये नदी अलग अलग ही है भाई, क्या ही नज़ारा है।